हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 ब्रेड स्लाइस ली है, बॉइल्ड पोटैटो आप ज्यादा भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेड। तो मैंने एक बॉइल्ड पोटैटो को मैश कर लिया है छील कर, और मैंने ये चटनी बनाई थी। ये है धनिया पत्ती और टमाटर लहसुन की चटनी। धनिया पत्ती भी काट के इसमें डालेंगे, हरी मिर्च। इसमें जो मसाले जाएंगे, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, अमचूर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें थोड़ा हींग भी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, तो इसमें चाट मसाला। तो मैं हमारा जो सरप्राइज एलिमेंट होगा वो इंग्रेडिएंट ये है कि हम चीज भी इसमें यूज करेंगे। इसे ये मिक्सचर हम मैश कर लेते हैं। ये बना के रखी थी, आप भी बची हुई चटनी या फिर आपके पास की चटनी हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रेड को किनारे इनके कट कर देते हैं। अब हमने जो स्लाइस में चटनी लगा के रखी थी उसके ऊपर हम अपने आलू का मिक्सचर कर देंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। ऑयलिंग करेंगे, हम एक सैंडविच मेकर में, ग्रिल्ड सैंडविच मेकर में रख देंगे। ये देखिए हमारा ग्रिल्ड सैंडविच रेडी है, और इसको हम कट करते हैं। आई नो सबके मुंह में बहुत पानी आ रहा होगा इसे देखकर। फुल ऑफ चीज विथ हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर, एनर्जी बूस्टर। आप अपने बच्चों को खिलाइए और मुझे बताइए कि कैसी लगी आपकी रेसिपी।